हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लताज कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मीशो हॉल, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ होम डेकोर आइटम्स, कुछ रैंडम आइटम्स भी होंगे और ज़्यादातर होम डेकोर हैं, बेडशीट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिस ना हो। और तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको, ये देखिए, ये एक फ्लावर है, रियल नहीं है, फेक फ्लावर है। ये प्लास्टिक के पॉट में आता है और अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये रियल की ही तरह लगता है। इसमें 3, 1, 2, 3, 4 एक छोटा रोज है और 3 बड़े रोज आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 के सेट में आता है। ये देखिए, लवली, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। तो आप इसको कहीं भी अपने सेंटर टेबल पे, कॉर्नर टेबल पे, अगर कोई फ्लोर लैम्प है, कहीं भी आप इसको जैसे भी आप चाहें इसको मल्टीपर्पस वे में ऐसे डेकोर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा पीस है। ये देखिए, इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है, ये देखिए, ये एक टॉर्टोइज है और ये ऐसे प्लेट में आता है, गुड लक के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये टर्टल है और ये ऐसे प्लेट में आता है। इसको भी आप एज ए डेकोर, एज ए गिफ्ट, बहुत ही प्यारा सा एक ऑप्शन है और अच्छा माना जाता है इसको ऐसे घर में रखा हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे एक हैंड के इतने इसमें आ रहा है। इसका साइज छोटा सा है बट बहुत ही क्यूट और क्वालिटी इसकी अच्छी है। ग्लास मटेरियल में है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगाया है वो सबकी पैकेजिंग, जितने भी आइटम्स मुझे रिसीव हुए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं और पैकेजिंग बहुत अच्छी आई थी सबकी। बबल रैप में अच्छे से पैक होके आई थी, तो कोई भी टूटा फूटा मुझे रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद ये फ्रेंड्स मैंने, ये देखिए, ये एक कैंडल होल्डर स्टैंड है। ये देखिए, इसमें बीच में एक ऐसे बाउल सा दिया हुआ है और ये छोटे छोटे फ्लावर के शेप में छोटे छोटे बाउल से दिए हैं। इसमें आप पानी डाल के फ्लावर के पेटल्स डाल सकते हैं या आप ऐसे भी फ्लावर इसमें यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या एक में फ्लावर और कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स जो आती हैं वो प्लेस करके कहीं भी डेकोर कर सकते हैं। जैसे दिवाली में डेकोर कर सकते हैं, दिवाली नहीं भी है, आपको अगर अपने घर में डेकोरेशन करना पसंद है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। मेटल इसका मटेरियल है, मेटल मटेरियल है। ये देखिए, पूरा नीचे से अच्छे से होल्ड किया हुआ है, अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको शो कर रही हूँ सारी अंडर 500 है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। जितनी भी आइटम्स मैं आपको दिखा रही हूँ सबके जो कोड होंगे या लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी और प्राइस में साथ के साथ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी डेकोर करने की सोच रहे हैं अपने घर में या लेने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है वो एक है, ये देखिए, एक टेबल है। इस पे आप कुछ भी अपना डेकोर कर सकते हैं, अपने बेड साइड टेबल, अगर बेड के साइड आपको रखना है वहाँ भी रख सकते हैं, कॉर्नर में रखना है, ड्राइंग रूम में रखना है, बेडरूम में रखना है, कहीं भी इसको आप प्लेस कर सकते हैं इजीली। और ये 3 इसमें आपको शेल्फ मिल जाएंगी। ये देखिए, 3 शेल्फ मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूँगी, फोटो और वीडियो लगा दूँगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका साइज कितना है, हाइट कितनी है, और आराम से आप यहाँ पे कुछ भी 3 शेल्फ पे डेकोर कर सकते हैं। वुडन मटेरियल में है और प्राइस वाइज इसकी क्वालिटी वर्थ इट है, तो ये एकदम पैसा वसूल चीज है। ये ऑलरेडी असेंबल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी असेंबल होके ही आता है। ओके,
एक वॉल हैंगिंग है जिसे आप अपने एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। इस पे मेंशन है प्लीज लीव योर शूज एंड स्लीपर्स आउटसाइड, और छोटे छोटे से इसमें शूज और स्लीपर्स बने भी हुए हैं। तो बहुत ही छोटा सा है, क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेंड आप ये बेडशीट मंगाई है मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, समर अप्रोप्रिएट कलर है, और जैसे हैंड पेंट नहीं किया होता उस टाइप का इसका प्रिंट है, कॉटन इसका मटेरियल है। इसके थ्रेड काउंट की बात करूँ तो 280 थ्रेड काउंट है। मेरा जो बेड है वो अच्छा खासा बड़े साइज़ किंग साइज़ का बेड है, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छे से इस पर फिट आ गया है, छोटा नहीं है बिल्कुल भी। और ये इलास्टिक फिटेड बेड शीट है, बहुत ही सूदिंग कलर है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये मुझे। इसका पिलो कवर भी अच्छा खासा साइज़ का है, मेरा पिलो बड़े साइज़ का है, तो आराम से इस पर फिट आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने जैसे अभी होली आ रही है तो मैंने अपनी डॉटर के लिए, मेरी 3 ईयर की डॉटर है, तो उसके लिए एक ये टी शर्ट ली है, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी टी शर्ट है। मोटू पतलू बने हैं, हैप्पी होली लिखा है, पॉली कॉटन मटेरियल है, तो बहुत ही क्यूट लगी मुझे, तो मैंने इसको ले लिया। 200 अराउंड की पड़ी है, तो बहुत ही क्यूट सी है। अगर आप भी, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज किया है ये देखिए, ये फ्लावर स्टैंड है। मैं कैसे दिखाऊं, मैं वीडियो लगा दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ये ऊपर एक पॉट है, ये 3 के सेट में आता है, ये सबसे छोटा वाला साइज है, ये सबसे छोटा साइज है, फिर इससे एक थोड़ा सा बड़ा, एक इससे भी थोड़ा सा बड़ा, 3 के सेट में आया है। और ये मेटल में इसका एक ऊपर मिल जाएगा आपको, ये देखिए मेटल का आपको ये बाउल सा मिल जाएगा, एंड ये स्टैंड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये 1200 समथिंग का पड़ा है, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से जो इसकी क्वालिटी है वो वर्थ इट है। ये देखिए नीचे ये सारे रबर से लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं, तो क्वालिटी पे इन्होंने पूरा ध्यान दिया है, मुझे बहुत पसंद आया। 3 के सेट में है, तो आप इसमें अपना कोई भी प्लांट, फेक प्लांट, रियल प्लांट कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा ऑप्शन है ये डेकोर करने के, उससे एज ए गिफ्ट पर्पस, जैसे भी आप चाहें, जिस चीज़ के लिए भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर का इसका बाउल है और गोल्डन कलर का ये इसका फ्रेम है, रॉट आयरन में ये फ्रेम स्टैंड है इसका, एंड जो इसका कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया, ब्लैक एंड गोल्डन का। तो ये मेरा लास्ट आइटम था। So that's it for today's video. I hope आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे अगर मेरी कोई भी वीडियोज आती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।